लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट। पायलट डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए। सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे अब बंद हो गए हैं। 3 दिन से उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें फेल होने के बाद आखिरकार पार्टी ने एक्शन ले लिया है। सचिन को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। हालांकि उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया है। उनके समर्थक मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा से मंत्री पद छीन लिया गया है। पायलट की जगह गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। गणेश गोगरा विधायक को प्रांत युवा कांग्रेस का और हेमा सिंह शेखावत को प्रदेश सेवा दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उधर विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहली बार देश खतरे में आ रहा है। जो सरकार देश में आई है वह धन बल से राज्य की दूसरी सरकारों को तोड़ मरोड़ रही है। सरकारें बदली है, राजीव गांधी चुनाव हारे हैं, इस देश में ये सब कुछ हुआ है। आप सोचिए, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पायलट भाजपा के हाथ में खेल रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में मैनेज कर रहे थे वहीं यहां लगे हैं। उन्होंने कहा कि आप सोच सकते हैं कि इनका इरादा क्या है। आप बताएं, 122 विधायक हमारे साथ हैं, 102 कांग्रेस के हैं। ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस का कोई विधायक फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है? दरअसल ब्लैकमेल किया गया है। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्लिपर 28।